फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में DOL स्टार्टर के साथ मोटर को कनेक्शन किया था, तो आज हम लोग चल रहे हैं, ये देख रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो आज ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में देखेंगे क्या क्या होता है और कैसे कनेक्शन होता है और ये कैसे स्टार बनता है, कभी डेल्टा हो जाता है। और यहाँ देख रहे हैं स्विकरल केज इंडक्शन मोटर, तो ये इंडक्शन मोटर ये स्टार्टर के साथ चलेगा और ये जो एक दूसरा मोटर लगा मशीन लगा हुआ है इसको रन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे ये सर्किट। ठीक है, तो इस स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्या है सर्किट है और ये सर्किट में कैसे ये स्टार बनता है और कैसे डेल्टा बनता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लीवर दिखाई दे रहा है, एक बड़ा वाला, ये अलग अलग तीन और एक छोटा वाला लीवर। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन तीन लीवर है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ठीक, और यहाँ ऊपर से दिखाई दे रहा है कि ये कॉयल यानी कि लाइन आया है L1, L2, L3। ठीक है, इसमें भी दिखाई दे रहा है L1, L2, L3। ठीक है, और इसके बाद ये देख रहे हैं कि यहाँ जो ये छोटा वाला लीवर है इसको शॉर्ट किया गया है, शॉर्ट करके, और ये इसी में कनेक्टेड हैंडल रहता है। और फिर यह नीचे जो अलग अलग लीवर है इसका नामकरण किया गया है A1 यानी कि A2, B2, C2। ठीक है, यानी कि A2, B2, C2 यानी कि तीनों को एक लीवर से यानी कि मेटेलिक बॉडी से इसको टच कर दिया गया है। टच करने के बाद क्या है यानी कि इसको शॉर्ट कर दिया गया है, जैसा कि यहाँ कॉयल में देख रहे हैं हम लोग कि L1 का कॉयल आया, ऊपर से जोड़ दिया गया। ठीक है, और ये कॉयल में चला गया दूसरे वाइंडिंग में, इसका दूसरा सिरा क्या है शॉर्ट कर दिया गया यहाँ। फिर B2 का ये आया, ये कॉयल के दूसरे टर्मिनल में चला गया और यहाँ से B2 का दूसरा सिरा शॉर्ट कर दिया गया। फिर L3 जो है ये कॉयल के दूसरे टर्मिनल में, अनदर टर्मिनल में चला गया और ये इसका दूसरा टर्मिनल जो है इसमें शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये जो है एक एक टर्मिनल को यहाँ शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो एक एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया गया तो अनदर टर्मिनल क्या बचेगा यहाँ, तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये B1। ठीक है, इसको क्या कहेंगे B1 यानी कि वाइंडिंग मोटर के वाइंडिंग के B1 वाले टर्मिनल में चला जाएगा और ये मोटर का वाइंडिंग क्या होगा टर्मिनल C1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा A1। इस तरह से ये मोटर का ये टर्मिनल तीन मिल गया और तीनों जो ये सब जो है मोटर का टर्मिनल, ये सभी जो होंगे तीनों 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो होगा मोटर का टर्मिनल। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक बार इसको हैंडल को नीचे कर रहे हैं तो क्या हो गया स्टार में बन गया। ठीक है, अब फिर हैंडल को जब ऊपर करेंगे तो अब क्या होगा, तो यहाँ फिर से देखेंगे इसको कि ये लीवर जो है L1, L2, L3 यानी कि अब लीवर को क्या हुआ घूम करके ऊपर चला गया, ये नीचे वाला जो अलग अलग है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला लीवर यहाँ दोनों आ गया नीचे। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों को टच कर दिया गया, A2 और B1 को टच करके L1 को सीधे यहाँ से दिया जा रहा है। फिर यहाँ B2 और C1 को टच करके सीधे किसको L2 को सप्लाई दिया जा रहा है। फिर L3 से सप्लाई जो आ रहा है ये लीवर टच कर दिया गया किसको C2 और A1 को टच करके ये सप्लाई दिया जा रहा है। तो अब देखेंगे कैसे ये डेल्टा बन रहा है, तो डेल्टा बनने के लिए यहाँ संकेत में दिया गया है कि तीन वाइंडिंग है, A का, B का और C का, तीन कॉयल का वाइंडिंग है। तो तीनों कॉयल का वाइंडिंग जो यहाँ देख रहे हैं A1 का ये पहला सिरा, A2 जो पहला दूसरा सिरा, तो A2 जो है B1 के यानी कि B कॉयल के पहले सिरे से जोड़ करके L1 निकाल दिया गया है। तो फिर यहाँ समझेंगे कि L1 जो है आया ये लीवर से और लीवर से कनेक्टेड है, कौन कौन जुड़ा हुआ है इसमें A2 और B1, तो यहाँ देख रहे हैं A2 और B1 जोड़ करके L1 सप्लाई से निकल गया। ठीक, अब फिर अगला देखेंगे L2 जो है ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है लीवर, B2 और C2 को, तो यहाँ L2 जो है B2 और C2 को यहाँ भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक, फिर अगला L3 जो देखेंगे क्या आ रहा है इसमें कि C2 और A1 को कनेक्ट कर रहा है, C2 और A1 को, तो L3 यहाँ है और L3 जो है ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है C2 और A1 को। तो इस तरह से जो कनेक्शन होता है हम लोग पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ये डेल्टा कनेक्शन बनाता है। ठीक, तो इस तरह से जब हैंडल को ऊपर करेंगे तो मोटर ये जो डेल्टा कनेक्शन में चलने लगेगा, हैंडल को नीचे करेंगे तो स्टार कनेक्शन में चलने लगेगा। तो अब ये हम लोग चल करके इस तरह से देखेंगे कि ये स्टार्टर में यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये स्टार्टर में इस तरह से है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका हैंडल ढक्कन को हटाएंगे और ढक्कन को हटाने के बाद इस तरह से हम लोग ये टर्मिनल को देख रहे हैं। तो टर्मिनल को देखने के लिए यहाँ सबसे पहले देख लें सप्लाई है, तो सप्लाई को सबसे पहले हम लोग ऑफ कर देंगे। ठीक, और इसके बाद देखना होगा कि कौन किसका कौन टर्मिनल है, जैसे ऊपर कितने टर्मिनल ये दिखाई दे रहे हैं, तीन,
तीन छः और तीन नौ, और ये नौ टर्मिनल, यानी कि यहाँ एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है कि ड्यूअल स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने टर्मिनल होंगे, तो नौ टर्मिनल होंगे जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो नौ कौन कौन सा टर्मिनल, तो नौ यहाँ जो है मोटर का सिक्स टर्मिनल जो होगा, ये मोटर का हम लोग का टर्मिनल गया है, और तीन लाइन का टर्मिनल, तो छः जो है मोटर का टर्मिनल और तीन लाइन का टर्मिनल, तो टोटल कितना हो जाएगा, नौ टर्मिनल। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये स्टार कौन बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये हैंडल, ठीक है, ये हैंडल है, और ये हैंडल जो है ये क्या कर रहा है, देखिए ये पत्ती को क्या किया, ये वाला और ये वाला पत्ती को क्या किया है, एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले इस हैंडल को क्या करते हैं, नीचे नीचे यानी कि स्टार में करते हैं, ठीक है। तो स्टार में करने के बाद ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, एक टर्मिनल ये है, ये ठीक है, एक टर्मिनल ये है, फिर एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये, यानी कि सब उधर वाले टर्मिनल को कनेक्ट करके, और यहाँ देख रहे हैं लीवर में ये तीनों को जोड़ दिया गया, यानी कि ये तीनों जोड़ने के बाद ये पहले जो हैंडल नीचे करेंगे स्टार में बना दिया, और बाकी जो है ये मेन काया L1 L2 L3 यहाँ आकर के जुड़ा हुआ है, और ये जो है मोटर का टर्मिनल, इधर वाला मोटर का टर्मिनल जैसा कि अभी सर्किट डायग्राम में देखें इस तरह का। फिर जब हैंडल को ऊपर करेंगे, ये ऊपर करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ऊपर करेंगे, ठीक, तो ऊपर कर दिए, यानी कि यहाँ दिखाई दे रहा है ये अब किसको किसको टच कर रहा है, ये तीनों को एक साथ, देख रहे हैं लीवर, लीवर ये जो है ये तीनों टर्मिनल को एक साथ मिला रहा है, ठीक है। ये तीनों टर्मिनल को एक साथ मिलाने के बाद अब देखेंगे कनेक्शन कैसे होता है, जैसे L1 है तो ये L1 आ गया, इसके साथ मिल गया, L2 जो है L2 इसके तीनों के दो अनदर दो टर्मिनल के साथ मिला रहा है, L3 जो है अनदर दो टर्मिनल के साथ मिला रहा है। तो अनदर जो दो दो टर्मिनल है ये सब हम लोगों का मोटर का टर्मिनल, इसमें भी जो अनदर मोटर का टर्मिनल, अनदर जो है मोटर का टर्मिनल। तो इस तरह से अब हम लोग ये क्या कर दिए, डेल्टा कनेक्शन में बन गया हैंडल के द्वारा, और मोटर इस तरह से रन करते रहेगा। तो अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा चालू करके देखेंगे, ठीक है। चालू करने के लिए तो पहले ये ढक्कन को हम लोग ये बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद फिर ये इसको MCB को ऑन करेंगे। ऑन किए, यहाँ पैनल में दिखाई दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है तीनों फेज आ रहा है, ये वोल्टमीटर भी दिखा रहा है कि हमारा इतना वोल्टेज आ रहा है। अब इसको हैंडल को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए यहाँ सिंबल भी दिया हुआ है, नीचे करेंगे तो रन स्टार्ट और ऊपर करेंगे तो रन। तो सबसे पहले इस हैंडल को हम लोग नीचे करेंगे, तो नीचे किए, देखिए मोटर चलने लगा, ठीक है, और इस तरह से इसके बाद हैंडल को ऊपर करेंगे कुछ देर के बाद रन स्थिति में, अब छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का मोटर रन कर रहा है, दिखाई दे रहा है, ये मोटर रन कर रहा है, देखिए ये मोटर रन कर रहा है इस तरह से। आप फिर मोटर को बंद करना होगा, तो ये MCB डायरेक्ट ऑफ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ स्टॉप का बटन दिया हुआ है, इस बटन को हम लोग पुश करेंगे, हैंडल भी इस स्थिति में आ गया और मोटर यहाँ बंद हो गया, देखिए धीरे धीरे ये अपना विरामावस्था में आ गया मोटर। तो इस तरह से हम लोग ने ये स्टार्ट डी ओ स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ मोटर का कनेक्शन किया, और फिर इसको रन करके देखा। एक चीज़ इसमें और इसमें हम लोग देखेंगे, स्टार्टर में एक चीज़ और होता है, अभी ये क्वेश्चन उठ सकता है कि हाँ जब इस हैंडल को हम लोग ऊपर कर रहे हैं या नीचे करके स्टार्ट में करके फिर रन को कर रहे हैं तो कैसे रुक जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ हम लोग एक NVC है, NVC को ये क्या करता है, ये जब सप्लाई जाता है तो NVC इसमें मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट बनने के बाद ये क्या होता है, हैंडल को अपने ऊपर की ओर जकड़ लेता है, और फिर जब पुश करते हैं तो ये पुश वाला बटन होता है, इसको क्या करेगा, NVC को ऑफ कर देगा, और मोटर हम लोग का ऑफ हो जाता है। इस तरह से हम लोगों का स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ मोटर क्या किए, कनेक्शन किए, और कनेक्शन करने के बाद रन किए, और इस तरह से हम लोगों का ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ ये चला। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी हम लोग अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं, जैसे ये तो है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्या है मैनुअल स्टार डेल्टा, यानी कि हाथ से इसको हैंडल को रन कर स्टार करेंगे और फिर डेल्टा करना पड़ता है। तो इस तरह से फिर हम लोग अगले भी और स्टार्टर में सेमी ऑटोमेटिक बनाते हैं, ऑटोमेटिक बनाते हैं, बहुत सारे ये तीन चार प्रकार का स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। तो फिर अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ये सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चालू करना और कनेक्शन कैसे करें, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।